बच्चों को हमने नानों के हवाले कर दिया और हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने। तो हमने कुछ ज़्यादा खरीदारी तो नहीं करनी, मगर ये है कि कोई फेस वॉश वगैरह खत्म हुआ है तो मैंने बोला कि भाई भाई के साथ मौसम इंजॉय करें और साथ में जाके ना कुछ चीज़ें भी ले लें। आटा ले लेते हैं, क्या कहते हो? ये देख जरा छुरियाँ उठा के देख रहे, क्यों कसाई है तू? ये देखो जी भाई के कान में लगा हुआ है, इसको कोई होश ही नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं इसको कुछ नहीं पता। कहता है लूटो लूटो, मुझे बच्चा समझ के लूटो, हैं? गुस्से में आके मैंने चीकू सस्ता कर दिया। अजीबो गरीब नारे हैं भाई, हैं? इमोशनल कर रहे हैं, बंदों के इमोशन से खेल रहे हैं। ये वाली लेस है थोड़ी सी बड़ी हो इससे, अगर कोई थोड़ी दिखने वाली हो ना। क्यों है हुए डफर दिखा, ये क्या हुआ? ये मेरा ना हाथ कट गया। लासा आपको तो पट्टी करनी नहीं आ रही यार, ये तो आप ऐसे करें तो उतर के हाथ पे आ जाएगी। सच्ची बात ये है कि जब आपका हस्बैंड आपकी केयर करता है ना तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। क्यों लेडीज, चोट तो लगी उसका दर्द भी हुआ, मगर ये है कि जब हस्बैंड और घर वाले आपकी मतलब बच्चे भी आपकी खिदमत ऐसे करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मौसम बड़ा ऑसम हो रहा है और कह रहे हैं कि कराची में फिर से बारिश होने वाली है। सड़कें देखें आज कुछ साफ है, कहीं कहीं कुछ पानी खड़ा है और कहीं कहीं सड़कें साफ। अभी खबरों वालों ने तो यही बताया भाई कि यहाँ पे भी तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं, मगर कराची इतना बड़ा है कि भाई पता ही नहीं चलता कहाँ पे तूफानी बारिशें और कहाँ पे जाना बारिश हो ही नहीं, इतना बड़ा इलाका है हमारा। तो गाइस अगर आप लोगों के एरिया में बारिश वगैरह हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, बच्चों को हमने नानों के हवाले कर दिया और हम आए हैं कुछ शॉपिंग करना। बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है, हरियाली हरियाली है। और ये देखें जी, ये हमारा मुच्छू वाला भाई जो शर्माता है, मगर हमने इसकी थोड़ी सी मुछे कैप्चर करी है। दो भाई है माशाल्लाह से मेरे, एक बार आपने देखा है, एक ये छोटा कैमरा चाहे बनता है। ठीक है तो चलो वीडियो को लाइक करना सीखो, मैं चैनल बनने में सब्सक्राइब भी करो। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे अपनी बाइक को लॉक कर रहे हैं, फटपटिया को लॉक करके हम चल रहे हैं। ठीक है तो अभी हम लोगों ने लेना कुछ नहीं यहाँ से, ऐसा सच कुछ जरूरी आइटम नहीं लेने। ठीक है, मगर ये है कि आज मैं भी बिलाल साहब की तरह बार बार बोल रहा ठीक है ठीक है ठीक है आए। तो हमने कुछ ज़्यादा खरीदारी तो नहीं करनी, मगर ये है कि कोई फेस वॉश वगैरह खत्म हुआ है तो मैंने बोला कि भाई भाई के साथ मौसम इंजॉय करें और साथ में जाके ना कुछ चीज़ें भी ले लें। अभी कैमरे को हम बंद करते हैं, इससे पहले वो हमें एंटर ही ना होने दें, बोले भाई नीचे करो, अंदर जो है ना अलाउ नहीं है। तो हम लोग कैमरे को बंद करते हैं, अंदर जाके छुपके छुपके खोल लेंगे, मसले वाली बात ही कोई नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? आज 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 शाबाश, आज भाई तुम्हारे साथ में नहीं है तो जो पहले मौका नहीं लगा वो भी कर लेते हैं। कुछ चमचे लेते हैं, ठीक है ये चमचे ले लें, और एक जो है ना ये कांटा ले लेते हैं, क्या कहते हो? ये देख जरा छुरियाँ उठा के देख रहे, क्यों कसाई है तू? कसाइयों वाला काम स्टार्ट करना है, देखो ये सही है, देखो ना। हाँ कौन पे तुम बेहोश हुए, देखो सही है, ले लो दोनों मर्जी, ले लो मर्जी के, ले लो पकड़ो फिर तुम। और हम लोगों का ये हाल है कि हम लोग बास्केट भी नहीं लेके आए, ऐसे हम लोग हाथ में पकड़ रहे हैं, देखो सब लगाओ कोई हाल नहीं है। तो आज बिलासा तुम्हारे नहाने का फ़ायदा हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपने पसंद की चीज़ें खरीद रही हूँ। ठीक है एक जो है ये भी ले लेते हैं क्योंकि तो ख़राब हो गई। ठीक है ये पकड़ो, फिर मेरा ATM जाना अपने बैग में डाल लो, ये भी पकड़ लो, भाई को पकड़ाए जा रहे हैं, पकड़ाए जा रहे हैं, कोई हाल नहीं है। गुस्सा तो नहीं खाने वाला तू? खा भी ले तो कोई बात नहीं, खाने की चीज़ चाहिए तो बता मुझे, दिलाते हैं फिर तुमको। अभी यहाँ से जो है ना एक बात के लिए मग्गा लेते हैं क्योंकि मुस्तफ़ा साहब ने मग्गा तोड़ दिया। ब्लू वाला लें, कैसा लग रहा है? ब्लू लें, ये वाला लें, वाइट लें, ब्लू लें, देख ना ब्राउन ये लें, ग्रीन भी है, ग्रीन तो पहले भी चलो आज हमारे साथ में ये लेते हैं, साथ में ब्रश देते हैं, मगर अभी ब्रश है, ब्रश की खास ज़रूरत नहीं है। और कोई चीज़ है ऐसी जो लेने वाली हो? Meanwhile यहाँ से एक ब्लू जो है ये टेबल कवर लिया, ठीक है ये भी डाल लें, चला जा चलें। दस्तरखान भी है, ये लो दस्तरखान भी है, रोटी का कपड़ा। हाँ क्या कह रहा? कुछ नहीं, वो टेबल कवर के तौर पे यूज़ कर रही है ना, ये एक दस्तरखान ले लूँ, ये क्या वो रोटियाँ लपेटने वाला कपड़ा जो मैं लपेटती नहीं हूँ, फॉइल में लपेट रही होती हूँ। Few inches later अपने लिए खरीद लिया है सन वो क्या फेस वॉश, और यहाँ पे बिलाल साहब के लिए समझ नहीं आ रहा, इतना प्यारा मुखड़ा किया हुआ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दो अभी खोला। Few minutes later तो गाइस हमने छोटी सी शॉपिंग की है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा थैला आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बस इतनी सी शॉपिंग की है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस और रश भी काफी है इस रोड पे, मगर ये चलता फिरता रश है। और बिलाल साहब से मेरी बात हुई है, वो भी इसी रोड पे आ रहे हैं मगर बहुत पीछे पीछे आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई आप पहुंचो घर, जाके हमें हांडी भी बनानी है, तो हम जाके हांडी बनाते हैं
और आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट आप जो है ना इसी ट्रैफिक में हमें ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच जाएंगे भाई। तो अभी देखो ट्रैफिक शाम के टाइम बहुत होती है भाई, सबको अपने अपने घर जाना होता है ना। ये देखो जी भाई के कान में लगा हुआ है, इसको कोई होश ही नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं इसको कुछ नहीं पता है, गाने इंजॉय कर रहे हैं। ओ भैया देखो सुन ही नहीं रहा। तो चलो भाई हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, ये हमारे कायदे आजम खड़े हुए हैं, ये रात के टाइम हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी घर की ओर, काफ़ी ज़्यादा रश है। ये देखो जी A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं कि बिलाल साहब जो है ना वो आएंगे और इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और पीछे यहाँ पे चीकू वाले बच्चे को बिठा रहे हैं और कह रहे हैं भाई लूटो लूटो मुझे बच्चा समझ के लूटो, अजीबो गरीब नारे लगा रहे हैं। खैर हमने भी इसे चीकू चीकू खरीदे जुबान ऑलरेडी स्लिप हो गया। बिलाल साहब कह रहे हैं भाई हम लोग आने वाले हैं, हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं, सवारी हमने बदल ली है। बाकी अभी देखो आवाज़ पता नहीं मेरी आपको आ रही है या नहीं आ रही, मगर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मीनवाइल तो गाइस आ गया हमारा बंदा, हमें लेके जाएगा, मुझे ना लहसुन दिलवा दो, उसके बाद भाई जो है ना वो लेके आता है गोश्त वो कटवाना है। ओके चलो चलो मेरी सवारी, और आप जाओ जल्दी से लेकर आओ ठीक है, हम लोग आपको मिलेंगे यहीं पे बाजार में। ओके तो भाई हमने सवारी अपनी चेंज कर ली। और यार तुम्हें पता है क्या कह रहा बंदा, कहता है लूटो लूटो मुझे बच्चा समझ के लूटो, है गुस्से में आके मैंने चीकू सस्ता कर दिया। अजीबो गरीब नारे हैं भाई, हैं इमोशनल कर रहे हैं बंदों के, इमोशन से खेल रहे हैं भाई। ये चीकू जो लूटो लूटो लूटो, ये चीकू बस ऐसे ही होते हैं एवरेज ही। यार मेरे फिर भैया साहब ने 100 रुपए के ले लिए, मगर हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी चीकुओं की हमने वो सारी इकट्ठी करके अपने भाई की मदद करवाई है मीठे चीकू सिलेक्ट करने में। ये देखो जी ये जा रही है ट्रेन, वापसी आ रही है, चार यार ये थके हारे जो ना पंजाब से आ रहे हैं कराची, और मुझे पता नहीं है वैसे सुनने में आया कि पंजाब वालों का बहुत जो है ना वो मुश्किल हाल हुआ है, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल हुई भी है। अल्लाह पाक उनको अपनी जमान में रखे, हो जाना हालात जल्दी जल्दी से बेहतर कर। और अभी हम लोग चल रहे हैं अभिया बाजी की, जो कल मैंने पार्सल मंगाया था शर्ट का कपड़ा, उसके साथ लेस ले लें भाई, उनकी नानी अम्मा कह रही है हम सी के देगा रे बाबा। ना सही है, मैं तो बहुत बोला नहीं, हम दर्जी से सिला रहे, कहते नहीं मैं सी के दूँ, उनको लाड आएगा अपनी नवासी में। और जो है ना अभी हम लोग चलते हैं जाके लेकर, लाचा भी बोल रहे होंगे रगड़ देती है मेरे को जब भी मैं आता हूँ काम से लेकर बाजारों में घूमने लग जाती है। कोई बात नहीं हालत नहीं है सही, तो गाइस इनकी हालत हम घर जाके दुरुस्त कर लेंगे। अभी खाना बनाना यकीन करो, सुबह से लॉन्ड्री डे हुआ है, मेरी काम वाली बंदी बेचारी ऐसे थकी बैठी हुई थी ठीक है, अभी वो अभी तक यहीं पे है पता तुमको, हाँ वो भी जरा सुस्त पड़ी हुई। और कोई बात नहीं चले, आप लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लो ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग लैस वाली दुकान पे। अच्छा ये मुझे इसके साथ ना लैस लगानी है, वो जो बारीक बारीक लैस नहीं है पीछे आपके पड़ी हुई, उसके अंदर से दिखा दें ग्रीन हो जाए या वाइट हो जाए, 14 अगस्त के लिहाज से मुझे चाहिए, तो कोई अच्छी सी लैस दिखा दें, बच्ची के फ्रॉक पे लगानी है। मीनवाइल ये वाली लैस है थोड़ी सी बड़ी हो इससे, अगर कोई थोड़ी दिखने वाली हो ना, भले से बच्ची के मगर वो फिर बहुत ही दबी हुई ना हो। तो 14 अगस्त की तैयारी कर, अपने बच्चों के लिए कपड़े कस्टमाइज करते हैं, दिल होता है ज्यादा प्यारे प्यारे हैं, इसलिए मैं कह रही हूं। लेकिन बहुत बड़ी लैस नहीं लगा रहा, बहुत बड़ी अच्छी नहीं लगती। नहीं मैं लगा रही हूं, ये दिखाएं जरा। तो गाइस इधर ना ठीक है, अभी फातिमा के लिए ये कपड़ा मंगवाया था, अभी ये अगर दामन पे लगाऊं तो अच्छी लगेगी ना जी, दामन अच्छी लगेगी। फ्रॉक अगर फ्रॉक के दामन पे लगाऊं तो ये दे दें फ्रॉक के दामन के लिए, और ये चुन्नी चुन्नी दे दें इसमें से कोई एक डिजाइन। तो गाइस ये वाली लैस ये कर लें आप बाजुओं के लिए, ये दामन और दामन के लिए कर लें, ओके होगा। कितने लगेगा उनको पता है ना, वो उस हिसाब से ले लेंगे, मैं इतनी ज्यादा प्रोफेशनल टेलर को नहीं हूं। अच्छा मम्मी ने करना है, मैं बस लेने आई हूं लैसे वगैरह, बैठी मैं लगानी है हाँ बाजू पे लगानी है और घेरे पे लगानी है आगे पीछे दोनों, छोटी सी बच्ची है 6 साल की उसके उसको लगाना है। One hour later. तो गाइज मेरी तरफ से वेलकम बैक और अस्सलाम वालेकुम जी, घर पे वापसी आ चुके हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और आते साथ आके ना फ्रेश हो, यकीन करे मट्टी ना एक लेवल की बारिश थी, क्योंकि आपको पता सारी रात बारिश होती है, बारिश की वजह से रोड के ऊपर काफी मट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो अभी फ्रेश हुआ हूँ, भूख लग रही है टाइट किस्म की, और बेगम साहब ने अभी खाने में हमारे साथ क्या बनाया है उन्हें पूछते हैं। हाँ जी ओ भाई साहब उठो रोटी छोटी बनाओ, आप इधर के मेसड़े क्यों हैं? हुई डफर दिखा ये क्या हुआ, ये मेरा ना हाथ कट गया। ओए 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 तो गाइस ये ना क्या लगा है तुम्हारे लिए, खाना बनाते भी लगा है। ओ मेरी जान जल्दी आओ, तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। नहीं डॉक्टर वाले काम नहीं है, पट्टी लगा दो। दिखा इधर दिखा यार छुरी घूम गई है यार, देखो ये पागल। तो गाइस मैं ना जल्दी से पट्टी कर दूं, आपकी बहन को छुरी लग चुकी है, इसकी उंगली कट चुकी है, जल्दी से पट्टी करके उसके बाद मेरी जान ने मेरी जान क्या बात कर रही है ठीक है, आप ठीक है, आप मेरी बात सुने, आप खाना नहीं बनाओ टेंशन नहीं है ना, मसले वाली कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले आऊंगा, नहीं रहने में पट्टी कर दो जल्दी से, उसके बाद फिर आपसे बातचीत कर दो। अगर पट्टी डॉक्टर के पास देख लो छुरी बड़ी है,
डॉक्टर के पास नहीं लेके जो खुद ही पट्टी कर लेते, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन खुद कर लेता हूँ। आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बड़ी बताते फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। आपकी बहन को पट्टी कर दो, आज की कभी लवो लवो हो गई की लाल हो चुकी है। अबे साले, तो गाइस मेरी बेगम को ठीक है, हाथ कट चुका है, छुरी ने हमला इसके ऊपर किया, मैं जल्द से पट्टी ले गया। हमला नहीं किया मैंने, खुद जाकर छुरी को बोला कि आप मार दे मुझे। क्या मतलब? वो बंदे के बच्चों की तरह अगर मैं काट लेती पैकेट तो सही था, मैंने वैसे बीच में घुसेड़ा उसके तो वो मेरे हाथ में घुस गई। तो मैं अभी जल्द से पट्टी कर दूंगा, पट्टी के इसके लिए लेके आते पाइप हमारे घर पे। ये देखिए कितना लगा है मुझे, पट्टी कर रहे हैं आप, करके बताया पट्टी। बस ये देखो ये मेरी पूरी हुई, अभी देखो जरा हिसाब लगाओ, मोबाइल भी ना नमूने हैं जो दिखाने की चीज होती दिखाते ही नहीं है। तो गाइस ये देख लो आपकी बहन को कट लगा हुआ है, इधर से सारा ये सारा कट लगा हुआ है, और इसे इधर टांके लगवाने पड़ेंगे। टांके वांके कोई नहीं। क्या हो गया? कोई टांके वांके नहीं है। तो टांके लगवाने में खुद पट्टी कर दो। तो गाइस मैं जल्दी से पट्टी करता हूँ, ये बच्चों की तरह रो रही थी। क्या हो गया? बस वो लगा होता तो बंदे की खून देके हो जाती है ना टेंशन। चल मेरी जान, ना टेंशन, मैं हूँ ना, मैं पट्टी लेके आया हूँ, पट्टी लेके आपको पट्टी करता हूँ, पाइट वगैरह लगा। छोटी सी पट्टी है तो छोटी सी पट्टी, आपको जान आपकी उंगली कटी है, कोई हाथ थोड़ी कटा चोट ले गया, वो तो काटा ना रुई है। नहीं बदवाए क्यों, वैसे आपको बता रहा हूँ, इतनी केयर कर रहा हूँ, मुझे अपनी जान से प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, इस वजह से मैं भागता भागता गया हूँ, पट्टी लेके आया हूँ, पाइप घर पे पड़ी हुई है, कार्टन लेके आया, मैंने कहा जैसे पट्टी कर दो अच्छी थी, इन्हें से ज्यादा हूं ना भाई, लेकिन हूं तो रुक चुका है, लेकिन आप लेडी समझ सकती हो, आप अगर छोटे सा क्या कहते हैं सुई भी चुभ जाए तो आपने ठीक है बम्बास बना देती पूरे घर पे कर देती है, क्योंकि आप नाजुक हो, इस वजह से मेरी बेगम भी माशा से नाजुक। क्या देख क्या रही है मुझे, मैं बता रहा हूँ गजब बेइज्जती है, मतलब यहाँ पे हम लोग है ना पेट कटवाते हैं, सर कटवाते हैं। Meanwhile लासा आपको तो पट्टी करनी नहीं आ रही, आ रही है तो आप ऐसे करें तो उतर के हाथ पे आ जाएगी। नहीं उतरेगी मेरी जान, मैं उसके अंदर ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर ठीक है, डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ और ना ही कोई मैं नर्स हूँ, लेकिन मेरी मॉम को बुला दो वो कर देगी पट्टी। माँ कर दी, माँ कर जने को भी आती है, देख रहे सही कर, ये ऐसे टोपी तुम बना रहे हो पगड़ी बना रहे हो तो उतर के हाथ में आ जाएगी। नहीं आएगी, चुप कर जाए, आ जाएगी, नहीं आएगी, बोला नहीं आएगी, जबरदस्ती मैं अभी तुम्हें बताती हूँ हाथ में आ जाएगी। क्या आप मुझे खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो आप मुझे, कच्चा 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 कहा कच्चा कच्चा, नंगे पुंगे घूम रहे हो, ये देखो बारिशें हो रही है, तुम्हारी लात की गर्मी जाना वही नहीं खत्म हो रही, गर्मी मारे घूम रहे हो, पैंट पहन के ये देखो जरा सलमान खान बने हुए बगैर बॉडी के। कह रहे मामा को नहीं मारो, मार नहीं रहा मेरी जान, देखो ये मैं नया लेके आई थी वो देखो, कह रहे आप मामा को नहीं मारो, वो कह रहे खा लो, उसके हाथ में जो पकड़ा है उसमें से दे रहा है। अच्छा, बच्चों की बकरे ही सोची है, बकरे गेमे है यार। ये देखो ये तुमने इतना बड़ा पकड़ा बांध दिया, ये देखो पकड़ा, ये पकड़ा उतर के हाथ में आ जाएगा। किधर कैंची लेके आई थी? नहीं मैं छुरी लेकर आई थी, उसी ने तो काम खराब किया। किधर पता नहीं, तो ये छुरी लेने गए हो, दूसरा हाथ भी काटना है मेरा, आपस की बात है, बिलाल साहब गए हैं छुरी लेने, मगर सच्ची बात यह है कि जब आपका हस्बैंड आपकी केयर करता है ना तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। क्यों लेडीज, चोट तो लगी उसका दर्द भी हुआ, मगर यह है कि जब हस्बैंड और घर वाले आपकी मतलब बच्चे भी आपकी खिदमत ऐसे करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपस की बात है ना, आपस की बात, क्या बातें कर रही है आप, ये सर देख लो क्या हुआ। नहीं कुछ भी नहीं, ये देखो दूसरी छुरी ले आए हो, ये जालिम छुरी है, अब तुम देखा देखी हाथ नहीं काट लेना, बोलना बेगम ने हाथ काटा तो उसके इश्क में मैंने हाथ काट लिए अपने, हैं ऐसा कोई सीन नहीं है बिलाल साहब। वैसे ये ना नाड़ी बंदा मेरा कर रहा है पट्टी, पर कोई बात नहीं, इसके नाड़ी बन के चक्कर में ही भाई सदके कुर्बान, ठीक है, हैं ज्यादा खुश नहीं होने का, क्यों इतना मस्का लगा नहीं है भाई, खुश हो के जा रहे हो भाई। Meanwhile ये पूरा डालना है, इतनी ज्यादा वो है कढ़ाई तो सारे डाल दें, रूम डाल दें। हाँ क्या किधर है, जल्दी से क्लियर करें, मेरा सोफा ना गंदा कीजिएगा। ओके गाइस मैंने आपकी बहन को पट्टी कर दी है, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी जान ऐसे किससे मत करना, जरा ख्याल करना हमारे ऊपर, ध्यान करना। आपके बिना हम क्या करेंगे, आपको कुछ हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, आप दो तीन दिन के नाश्ते बाहर से लेके आएंगे, क्योंकि हाथ तो कट चुका है, आटे हम घूम नहीं सकते, ये बात खैर है, मेरी हेल्पर जो है वो मेरी मदद करवा देगी, काम शाम कर देगी, बाकी आप लाना पराठे बाहर से, खाने बाहर से लाना, और पक्का महीने का खाना बाहर ही है, महीने का तो नहीं, मैं इधर ही ना आ गया। तो गाइस इसी गम में जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना और दुआ करना मेरे जख्म जल्दी भर जाए। अच्छा तो गाइस इधर खाना खाया जा रहा है, ये मरीज बंदो आप खा लोगे या मैं खिलाऊं आपको, हैं सीधे हाथ पे नहीं लगी उल्टे हाथ पे लगी है। अच्छा जी जी खाना खा सकती हूँ मैं, इधर ना ठीक है, आज बता खाना किसने बनाया मुझे बता। आज आपकी सासू मम्मी ने बनाया, मेरी अम्मी और आपकी सासू मम्मी। वाह अम्मी क्या खाना था, लाइक दे तो अम्मी को, गल गया है ज्यादा मगर यह है मजे का बना, ये सचो ये नली तो ना निकलेगी हमसे, छोड़ दो नली नहीं आ रही क्या, बहुत ज्यादा जो नानों को पानी ला के दो, उठो मुस्तफा जल्दी से भागो। तो गाइस आज आपकी बहन हो चुकी है, एक मरीजा बन चुकी है, हमें रिपोर्ट मिल गया कि पूरा 10 दिन हम खाना नहीं बनाएगा, आटा गूंथा, कहाँ 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 सारी ले गए
अरे ये सारी किधर ले गया हूँ, ये मेरे को निकालने का शौक है खाने का शौक। बोलवे वाले आदमी को नहीं बुलाया, बोलवे वाले आदमी को नहीं बुलाया।